पटियाला तो बड़ी खबर आ रही रोजगार की मांग नू लेके संघर्ष कर रहे बेरोजगार ATET पास अध्यापक जिथे संगरूर विच DC दफ्तर के बाहर लगातार 6 महीने तो धरना दिता। तो दूजे पास 116 दिन तो पटियाला टावर उत्ते सुखविंदर पार गुरदासपुर सेहत विघन के बावजूद भी टावर उत्ते डटिया होया। तो 7 जुलाई न्यू हुई मुख्य प्रमुख सकत्र सुरेश कुमार नाल पैनल मीटिंग विच यह भरोसा दिता गया सी बेरोजगार अध्यापकों की मंगा 14 जुलाई में होने वाली कैबिनेट मीटिंग विच मान लिया जाणगियां, पर आज कोई भी मीटिंग नहीं हुई जिथे रोज़ प्रदर्शन करते बेरोजगार अध्यापकों लीला भवन से इकट्ठे हुए। जिथों दस दिए कि उस तो बाद बेरोजगार अध्यापकों लीला भवन तो रोज मार्च शुरू किया गया, जो पटियाला प्रशासन बेरोजगार अध्यापकों रोकण लई YPS चौक के उपर खड़ी हुई सी। बेरोजगार अध्यापकों ने प्रशासन को भुलेखा पाउण दे होए जिथे दस दिए कि मेन वाले पासे मोती महल का घिराव करने का ऐलान किया। प्राइम लेकिन न्यूज चैनल वालों खास रिपोर्ट पटियाला तो सौरभ कुमार की। अज सू मजबूर हो के जरा इतने मोती महल जरा आना पै, क्योंकि 14 का सूँ अनवास आश्वासन दिता सी कि 14 की मीटिंग हल जरा करा, जिंदे मानयोग सिक्ख्या मंत्री साहब, मानयोग संदीप संधु साहब, मानयोग प्रमुख सकत्र साहब, मानयोग सकत्र साहब से। लेकिन मीटिंग डिले कर दी गई जी, अज की पैनल मीटिंग रखी से, कोई हल नहीं क्ढा गया। प्रशासन ने साढ़े ना गलबात उत्थे थोड़ी, लेकिन वो सिर्फ गलों के नाल सू थड़काउण की गल जी की जा रही थी। मजबूर हो के सू जो इधर का माहौल जो देखो, बेरोजगारा की कतार बहुत लंबी है, चाहे कल बेरोजगारा लाठीचार्ज किया गया, चाहे अब साढ़े तो लाठीचार्ज किया गया, इवें वतीरा लगातार जरा सा जा रहा है। अगला स्टैप साढ़ा यही है कि साड़ी गल प्रशासन नहीं सुनता, कोई गलबात सिरे नहीं लगती तो अगे बढ़ा।